1000 एपिसोड कंप्लीट किए हैं एंड कहते हैं ना, कोशिश करने की हार नहीं होती है। सच में कोशिश करने की हार नहीं होती है, वो इसने प्रूफ कर दिया। वैसे एक और इंसान को जानता हूँ जो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, बहुत सीरियसली मानती है, वो है इरम फरीदी। आप भी शायद जानते होंगे, बहुत टाइम से हम साथ में काम कर रहे हैं, जुड़े हुए बहुत टाइम से, एंड आई नो फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो उसी के थ्रू आज मैं यहाँ पे हूँ। और सेकेंडली, ये जो RDD शो हो रहा है उसमें आई एम अवॉर्डिंग ऑल्सो फॉर दिस इवेंट, एंड मेरे उनके एपिसोड में मैंने फीचर भी किया है एज नो एज अ गेस्ट दिस थिंग फॉर द अपीयरेंस के लिए। बाकी आई से जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू RDD शो के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरा हमेशा ये मानना है कि कोई भी अगर बहुत ही कंसिस्टेंट काम करता है ना, अगर आप 1000 एपिसोड कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप अच्छे हैं, आप अपने काम में माहिर हैं, आपके इक्विपमेंट इन द इंडस्ट्री अच्छे हैं और लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट और मानते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू द RDD शो एंड आई एम RDD शो है बहुत ही कमाल हो गया। और चूंकि लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल जो विषाक्त काल पूरी दुनिया पे आया और सब कोई घर में थे, उस समय डिजिटल ने अचानक एक हंगामा किया कि घर बैठे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते थे आप, और इस तरह के शो शुरू हुए। तो उसी में रीटा ने भी शुरू किया RDD शो नाम से, रीड्स टाइम ड्रिल के नाम से। तो बड़ा बड़ा बढ़िया रहा, बड़ा ये रहा, लेकिन हमें पता नहीं था, तो हमने तो शोज़ बहुत किए लेकिन हमें ये पता नहीं था कि अचानक इस तरह का कुछ होगा। 1000 एपिसोड पूरा होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे ये, और बम्बई में इतना बड़ा सेलिब्रेशन होगा कि जितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, जिन जिनका इंटरव्यू किया था इन्होंने और जिनकी जीवन यात्राएं लोगों को बताई थी, उन सबको जोड़ना वापस बम्बई में आकर शिमला से, ये बहुत बड़ी बात है। और सबको सम्मानित करना, एक सर्टिफिकेट देना, एक ट्रॉफी देना, वो मेरे पास अभी नहीं है। नहीं, मैं वेरी हैप्पी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट रेड्स फॉर द शो, फॉर दिस RDD शो, लाइक दे आर होस्टिंग इट एंड ब्यूटीफुल थिंग दे हैव डन, बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। और ये कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, इट्स अ वेरी गुड थिंग दे हैव डन, और लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस। और ये हम सबके लिए बड़ा अच्छा मौका है बिकॉज हमारी बहुत बड़ी वेब सीरीज फातिमा रिलीज हो रही है अभी रिसेंटली Amazon और नेटफ्लिक्स से, अच्छे प्लेटफॉर्म पे आई। लेट्स सी, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? RDD शो के 1000 एपिसोड पूरे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बहुत मुश्किल होता है 1000 एपिसोड एक एक घंटे के करते रहना, और वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो शिमला से आया हो, छोटे शहर से आया हो बॉम्बे में अपना मुकाम हासिल करने, और उसने बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी गवर्नमेंट हेल्प के, बिना किसी मतलब करोड़पति हुए कोई पैसा भी नहीं, अपनी अच्छी नेचर और अपने अच्छे टैलेंट के बेस पर उसने ये मुकाम हासिल किया है। तो रीटा को मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा, और उन सारे पार्टिसिपेंट्स 1000 लोगों ने जिन्होंने इंटरव्यू किए हैं उन सबको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि आपने उनको एक आहुति थोड़ी सी दी, थोड़ा सा हेल्प किया, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा अकेलापन हो जाता है, शहरों में कोई मिलता नहीं है अगर सही टैलेंट हो तो उसको ऊपर उठाना। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, आज का जो शो हुआ है बहुत ही हाउसफुल, एकदम इतने सारे आर्टिस्ट एक जगह पर इकट्ठा थे और हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत कम होता है जब सारे आर्टिस्ट एक जगह इकट्ठे हों और हर जितने भी लोग थे उतनी कहानियाँ उतनी फिल्म में। हाय, बहुत ही अच्छा लग रहा है RDD के इस कामयाबी पे, 1000 एपिसोड करने पे। पैंडमिक पीरियड्स में ये शो शुरू किया और जाने माने कलाकारों से, हस्तियों से, सभी के घरों में उनसे उनको रूबरू कराया। सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वाकई ये सही है। राइटर, लिरिक्स राइटर में, स्क्रिप्ट राइटर, और ये जो अवार्ड लिया है रिट से इंटरव्यू में, थैंक यू वेरी मच टू हर जिन्होंने किया। और अभी मैं अंदर बात कर रहा था, अपना एक शेयर सुना रहा था, वो भी आपको भी मीडिया को भी मैं सुनाना चाहता हूँ कि हर रात में ही चांद निकले ये ज़रूरी तो नहीं, हर रात में ही चांद निकले ये ज़रूरी तो नहीं, खेल में हर बार जीते ये ज़रूरी तो नहीं। ये बताया जा रहा है प्रोग्राम का और इसका टाइटल रखा है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और ये मुझे पहली मरतबा मिला है।
और ये अवार्ड में मैं पहली मरतबा आया हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और रीटा जी जो हैं, जिसकी इसकी ऑर्गेनाइज़र है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। वो ऐसी हिम्मत करती रहती है, ऐसे हम सब कलाकारों को बुलाती है और समय समय पर उनका मान सम्मान बढ़ाती है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। ख़ास करके मीडिया को भी बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हम लोगों को ये अवार्ड मिलता रहता है। बस नमस्कार, मैं हूँ विवेक प्रकाश, एक गायक और एक संगीतकार, और आज हम सभी आप सबके माध्यम से रीटा शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहते हैं, बधाइयाँ देना चाहते हैं। उनके शो का 1000वां एपिसोड भी टेलीकास्ट हो चुका है, यानी कि इस शो के 1000 एपिसोड हो गए। और उन्होंने जो एक काम शुरू किया था लगभग 2.25 साल पहले, वो अब इस मकाम पे पहुंच गया। तो मैं आपको ये ट्रॉफी दिखाता हूँ, इसमें 1000 लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी इनके शो के आगे ये 10 और बढ़ जाए और 10,000 इसके एपिसोड्स हो जाएं। और मैं रीता के लिए 2 लाइनें गाता हूँ कि उनका टैगलाइन है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज के ज़माने में 1000 एपिसोड्स हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक फ़ीमेल एंकर हैं जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स का इंटरव्यू लेती हैं और लोग जाते हैं उनके पास इंटरव्यू देने के लिए, बहुत बड़ी बात है। सो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम हियर टू सपोर्ट हर। जी बिल्कुल। तेनालीरामा तो सब जानते हैं, तेनालीरामा के 4 साल पहले तक मेरे पास काम नहीं था। 4 साल बिना काम के बॉम्बे में बहुत बुरी हालत में था, स्ट्रगल कर रहा था, पर कोशिश जारी थी और उसी कोशिश ने फिर मुझे तेनालीरामा दिलाया और आज जो भी थोड़ी बहुत सक्सेस मिली है वो उसी कोशिश की वजह से। तो ये मेरे रीटा शर्मा जो हैं, इन्होंने 4 महीने पहले मुझे शिमला से फ़ोन किया था कि केशव जी, मुझे मुंबई में इसके 1000 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, इसका एक कार्यक्रम करना है, सबको सम्मानित करना है। तो मैंने इनको मुक्ति ऑडिटोरियम बताया और यहाँ के बारे में सब कुछ बताया, फिर लोगों से ये मिली और आज ये जो कार्यक्रम में जिस तरह से सम्मानित कर रही हैं कलाकारों को और समाज में जिनका योगदान है, अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उनको आज सम्मानित किया, तो ये एक बहुत बड़ा, जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में या कई जगह बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं उसी तरह का लग रहा है ये। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अवार्ड ऑर्गेनाइज किया, इनको बधाई। अच्छा, इनका एक ये स्लोगन भी है, खुश रहने की हार नहीं। आरडीडी का पहले मैं आपको थीम बता दूं, आरडीडी रिट्स डैम टनल है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है रीटा शर्मा जी की तरफ से, जो शिमला से आई बच्ची है। और एक छोटी सी बच्ची इतना दम रखती है एक इतने सितारों को एक साथ एक मंच पर लाने का, वो है रीटा शर्मा। और मैं इरम से एंटरटेनमेंट की प्रोड्यूसर होने के नाते मैं उसको बहुत थैंक यू बोलूँगी कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि उसकी थीम है, उसका नाम है उसमें कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो सच में उस बच्ची ने वो करके दिखाया है। आज उसका शो है तो मैं उसको सपोर्ट करने आई हूँ, इरम से एंटरटेनमेंट का हमेशा सपोर्ट था। और शिमला से चल के इतनी दूर से लड़की कोई आती है तो हम सबका फ़र्ज बनता है कि उसके साथ खड़े होने का, वही मैं कर रही हूँ। और इस शो की थीम आपको बता रहे हैं, शायद ही पता होगा, डाइमबैक डैरिल करके एक बहुत बड़े गिटारिस्ट थे, तो उनके नाम पे उनको ट्रिब्यूट है ये शो। सो गुड लक रीटा, एंड 1000 एपिसोड तुमने पूरे किए हैं, तुम 1000 क्या, तुम 10,000 अभी एपिसोड्स पूरे करोगी और बहुत आगे जाओगी। एंड तुम्हारी सिस्टर यानी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरे से जो हेल्प मिल गई जो भी है, डेफिनेटली वी आर ऑन वन रूफ। और मैं कहती हूँ आरडीडी शो जैसा होता है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़े शोज आते हैं हम सबको सपोर्ट करने की, एक लड़की कोशिश कर रही है जिसका थीम है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और शायद उसकी उसमें मेहनत दिखती है और मैंने वो लगन देखी है और ये बात सच है। फिर से बोल पहले तो आरडीडी के इस 1000 एपिसोड के लिए मैं क्रिएट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मुझे ये उस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए और ये देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है कि जब रिड्स ने मुझे लॉकडाउन के समय में कॉल किया और जिस तरह से अप्रोच किया, बहुत ही प्यारा, मतलब सॉफ्ट वे में, जिसको कहते हैं कि इस समय, क्योंकि ऑलरेडी उस समय लोग किसी और थॉट प्रोसेस में थे, क्राइसिस में चल रहे थे, इतना बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो था सबको पता है, उसमें ये जो शुरुआत की उन्होंने, और सबसे मेन चीज़ जो टाइटल था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती,
और इस समय वाकई उस समय के लिए ये एक रामबाण का काम था। शुभकामनाएं और बहुत खुशी हो रही है मुझे ये अवार्ड लेकर। ये सम्मान है, मिलना जुलना है, इतने प्यारे सारे कलाकार हैं जिन सब लोगों के साथ मैंने काम भी किया हुआ है, तो एक मुलाकात का जरिया बन गया है। एंड थैंक्स टू रिट्स फॉर दिस, थैंक्स अ लॉट। मैं खुद इंट्रोड्यूस कराता हूँ सर। मैं माय नेम इज़ डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह। आई एम द कंट्री हेड फॉर लैटिन अमेरिकन शिपिंग कंपनी, नेम इज एशिया शिपिंग। वी आर अमंग टॉप 30 कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब। दिस इज माय प्रोफेशनल इंट्रो विच आई एम शेयरिंग विद यू। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ फिलेंथ्रोपिस्ट, मीन्स आई एम अ सोशल एंटरप्रेन्योर, एंड फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सो मेनी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड गॉट बीन अवार्डेड। आई हैव बीन अवार्डेड बाय भारतश्री अवार्ड, भारतश्री सम्मान अवार्ड, एंड देन मेंटर ऑफ द ईयर, आचार्य ऑफ द ईयर अवार्ड। सो बेसिकली मैसेज भी है बीच में, उसके साथ हमने शूट किया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे शो के बाद? सर, टीवी इंडस्ट्री के सिंधबाद चले गए और मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी शो देखा और जो भी घटना घटी हमारे सामने घटी, तो आप देखिए ऐसा होता है कि जो ये सब लोग फील कर रहे हैं, मैं फिल्मी दुनिया से नहीं, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ, तो ये जो लोग फील कर रहे हैं, कोई साहब आए थे जो लीजेंड थे फिल्म इंडस्ट्री के, और वो अचानक उनकी इस तरह से डेथ हुई है और इस तरह से हम सब को छोड़ के चले गए, दुखी बात तो है, लेकिन ईश्वर की जो इच्छा होती है उसके आगे कुछ नहीं हम कह सकते। और रिट्स के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि वो लास्ट स्टेज पर जब भी इनके शो में अगर उन्होंने शामिल हुए हैं तो ये इनको आशीर्वाद दे गए हैं, ब्लेसिंग्स हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और अपने शीर्षणों में स्थान दे। रिट्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसमें शो के लिए बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। आरडीडी शो अपने आप में पैन इंडिया नहीं, ग्लोबली बहुत बिल्कुल। ये रिट्स का शो है जो 1000 एपिसोड किया है। पहली बात है कि ये इट वाज ड्यूरिंग दी कोविड सिचुएशन जब इन्होंने स्टार्ट किया था, और उस वक्त बहुत सारे हमारी थिंकिंग चल रही थी कि कोविड के समय हम क्या करें। सो उस वक्त रिट्स ने स्टार्ट किया, और रिट्स को मैं जानता हूँ क्योंकि अनूप जी के पास मैं जाता हूँ, उनके स्टूडेंट भी है, और हम जो फिल्म फेस्टिवल करते हैं मूनवाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें भी रिट्स ज्वाइन की थी हमें। हम फिर वो ऑनलाइन ही कर रहे थे हम भी अनूप जी के साथ, तो उस वजह से उनसे दोस्ती हुई। और ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग बात है कि ये जो रिट्स कर रही हैं और अभी भी ये जो आज इन्होंने किया है, और सेलिब्रेशन ऑफ 1000 एपिसोड है। हम लोग रीटा जी से जुड़े हुए हैं इरम एंटरटेनमेंट के थ्रू, इरम फरीदी जी के थ्रू, और मैं रीटा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस पे। और बहुत ही मेहनत कर रही है, और एक मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो वो जो डायलॉग है वो उन पे जाता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। उन्होंने कुछ एक एपिसोड शुरुआत की थी, आज 1000 तक पहुँच गया, अभी और भी चल रहा है आगे। तो ऐसे एक कहते हैं ना, उन्होंने एक मुहिम की, उसकी वजह से आज लोगों को तो वो इन्वॉल्व हो रही है, कम्युनिकेशन में कनेक्टिव हो रही है। लोग जो घर में कुछ ऐसे लोग थे एपिसोड्स में आए हुए थे जो एकदम डरे हुए थे, संभाले हुए थे, जिनको कुछ प्रेरणा चाहिए हुई थी, तो इंटरव्यू देके उनका दर्द खुला, लोगों ने दर्द बांटा इसके थ्रू, लोगों ने दर्द सुना अपना, लोगों ने अपने तरफ से बहुत हेल्प करने की कोशिश की। तो समाज में जो दुखी लोग हैं या कोई परेशान है, ये तो उस पर इंटरकनेक्शन आ गया। इस शो की वजह से बहुत लोग का प्रॉफिट हुआ। कुछ ऐसे लोग थे जिनको लोग जानते नहीं थे कि भाई ये एक्टर है, ये भी सिंगर है, तो वो मैदान में आए, उनको काम मिलना शुरू हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई है, इस शोज पूरे हुए हैं, और मैं रिट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो उन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को इसमें अपने प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू किया, और वो आगे बहुत अच्छा करें। ख़ासतौर पे मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हूँ, और सोशल सामाजिक प्रकार से जुड़ी हुई चीज़ों को इधर आ जाओ प्लीज़। और यहाँ पर ये हमारी पार्टनर हैं मल्लिका गई, जिनके साथ हमने अभी फिल्म बनाई है कॉल मम्मी पापा, एक सोशल पर्दे की फिल्म है जहाँ पर हम दिखाते हैं कि जिस तरीके से जो पेरेंट्स बड़े बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स को कैसे निकाल देते हैं, तो सोशल इशू पर फिल्म है। मैंने और मेरी वाइफ ने काम किया है। कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? सबसे पहले तो मैं आरडीडी शो का पूरे कर दिया उन्होंने। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम तीनों, मेरे हस्बैंड,
नीरज जी, मेरा बेटा नानक और मैं एक स्टेज पे हम लोग अवार्ड ले रहे थे, तो मेरे लिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अवार्ड्स लिए हैं लाइफ में, लेकिन अलग अलग लिए हैं, नीरज जी ने अलग लिए हैं, मैंने लिए हैं, नानक ने मुझसे ज़्यादा अवार्ड्स नानक के पास हैं, तो लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज एक ऐसे स्टेज पे गई जहाँ हम तीनों को अवार्ड मिला। पूरे कर दिया है रीटा ने, क्या क्या कर दिया जी 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 क्या नहीं, वो बहुत मेहनती लड़की है और जब उन्होंने मुझे कॉल किया था तो तब मेरे पास, मैं शूटिंग्स में बिजी थी, तो वो लगातार मुझे कॉल करती रही और बोलती रही कि आप प्लीज़ हमें कोई टाइम दीजिए, तो मुझे 5-6 महीने लग गए थे वो करने के लिए, लेकिन जब मैंने उनके साथ इंटरव्यू की तो नीरज जी ने भी की उनके साथ इंटरव्यू, नानक ने भी की और हमें बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खूबसूरती से इंटरव्यू लेती हैं, मुझे अच्छा लगा। मैं तो बस इस स्टेज पे रह के उनके साथ अवार्ड एक्सेप्ट कर पाया, तो मैं काफ़ी, मुझे लगता है कि आज मैंने जो मैंने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था जब मैं 5-6 साल का छोटा सा बच्चा था कि मॉम मैं एक दिन ज़रूर स्टेज पे आपको ज़रूर प्राउड करूँगा, मेरे को भी अवार्ड मिलेगा जैसे आप इतने सारे लेते हो, मेरे को भी एक दिन चाहिए होगा, तो मेरे को लगता है आज वो दिन है। और जहाँ तक कि मैं शो की बात करूँ, बहुत बढ़िया शो गया, और रीता मैम जिनके पोस्टर पर मैंने देखा कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, तो वो अपने हिसाब से एक बहुत ही बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मज़ा आया आज के शो। और मैं आपको एक बात नानक के बारे में और बताना चाहती हूँ कि आपने देखा ही है, उन्होंने चलाया पाई जी कुट्टन की, उसकी फर्स्ट फिल्म रिलीज हो चुकी है और अभी उसकी सेकंड फिल्म 30 मार्च को रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है यारा दियां पौबारा, उसमें भी नानक एज हीरो